उत्तराखंड में मिलावटी मसालों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा और गलत ब्रांडिंग वाले मसाला कारोबारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने मसालों के संदर्भ में एक विशेष अभियान चलाया है। इस अभियान के दौरान मिली रिपोर्ट के आधार पर अब विभाग असुरक्षित और गलत ब्रांडिंग वाले मसालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने जा रहे हैं। FDA के कुमाऊं डिप्टी कमिश्नर अनुज थपलिया ने बताया कि कई मसाले और उत्पाद ऐसे हैं जिनमें भारी धातुओं और कीटनाशकों की मात्रा असुरक्षित स्तर पर पाई गई है। संबंधित जिलों के अधिकारियों द्वारा इन मामलों की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ संबंधित अदालतों में मामलों को प्रस्तुत किया जाएगा। देखिए, जैसे आपको पता ही होगा, पिछले विगत दिवसों में हमारे विभाग के द्वारा मसालों के संबंध में एक विशेष अभियान चलाया गया था भारत सरकार के निर्देश के अनुपालन में। तो इसमें जो भी हमारी फाइंडिंग्स रही हैं, जो भी रिपोर्ट्स आई हैं, उसके बेसिस पे जितने लोग हैं इनके खिलाफ अब कार्रवाई विभाग प्रारंभ करने जा रहा है। जैसे आप विदित हैं कि कुछ मसाले ऐसे हैं या कुछ मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट ऐसे हैं जिनमें अनसेफ और मिसब्रांडेड दोनों चीज़ें आई हैं, जिसमें हैवी मेटल्स और पेस्टिसाइड रेजिडुअल इसमें प्रेजेंस आई है। तो इनके विरुद्ध अब संबंधित जनपद के हमारे अवैध अधिकारी हैं, ये सब लोग इन पे अब कार्रवाई कर रहे हैं, जो संबंधित कोर्ट में इसको प्रस्तुत किया जाएगा आगे की कार्रवाई के लिए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।